हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं राकेश सिन्हा, आपका दोस्त। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा। अभी जस्ट मैं नीचे आया हूँ, आई थिंक यहाँ पे 5:30 टाइम हो रहा है अभी, ठीक है। और मैंने जस्ट अभी फ्लैट के नीचे आया तो मैंने कुछ नया देखा, मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊँ। मैं कैमरा घुमाता हूँ, आप लोग खुद देखें। बच्चे लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं। ये नीचे बना हुआ है मेरे फ्लैट के नीचे, है ना। और बच्चा लोग स्विमिंग पूल समझकर खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब मजा ले रहे हैं। आप लोग देखिए, काफी मजा आ रहा है इन लोगों को। हेलो हेलो, सिंचाओ सबका। ओ, ये लोग आप लोगों को सिंचाओ बोल रहे हैं, यानी कि सभी कोई नमस्ते बोल रहे हैं आप लोगों को। देखिए काफी एंजॉय हो रहा है। पूरा स्विमिंग कर रहे हैं ये, थोड़ा सा ही जगह में। कुछ कुछ कारनामा होते रहता है फ्लैट के नीचे में। देखिए इधर से इधर पार होकर जा रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा बच्चों लोगों को देख के। मैं आपको एक और चीज़ आज दिखाने वाला हूँ। ये काफ़ी लंबा है, पहले तो आप इसको देख ले, ये काफ़ी लंबा है। और ये हमारे सागन भाई हैं जो कि बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। सागन भाई हेलो कर दीजिए। हेलो गाइस, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये सागन भाई ये भी बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए काफ़ी थोड़े बड़े एज के बच्चे हैं, 12 इयर्स 15 इयर्स के बच्चे भी हैं जो कि स्विमिंग पूल में इंजॉय कर रहे हैं। ये छोटे जगह पर छोटे छोटे बच्चे तो बहुत सारे हैं जो मज़े ले रहे हैं। देखिए देखिए सभी को है। चलिए मैं आपको आज आगे कुछ और भी दिखाता हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग है। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको कुछ और इमेजिन चीज़ दिखाता हूँ जो देख के आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आइए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। थैंक यू। है ना, मैंने आपको बोला था कुछ दिखाऊंगा, मैंने आइए कुछ दिखाता हूँ। देखिए पहले तो आपको देखिए, एक आंटी है जो कि लीची बेच रही है। लीची है और भी कुछ फ्रूट है, तरबूज है। और देखिए बाइक में बेच रही है, है ना। बाइक लोग चलाते हैं लेकिन ये बाइक में आंटी लीची बेच रही है। और काफ़ी लोग यहाँ बाइक में लीची बेचना पसंद करते हैं। ये कस्टमर है, लीची लेने आए हैं। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये होटल है एक घर के पास में। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है, जो मैंने आज आपको दिखाने वाला था, है ना, और ये देखिए ये शायद फॉर्चुनर गाड़ी है। हर दिन इस गाड़ी में ही लीची बेचते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये रखे हुए हैं, वेट करने वाले रखे हैं, वेट मशीन है। तो दोस्तों मैं दिखाना आज चाह रहा था ये वीडियो के माध्यम से, लोग फॉर्चुनर गाड़ी चलाते हैं और किन्हीं को तो चलाने भी नहीं मिलता है, और जिनको मिलता है तो उनका तो रुतबा फिर अलग ही होता है फॉर्चुनर को लेके। मैं आपको आगे से भी दिखा देता हूं इस गाड़ी को। देखिए ऐसा नहीं कि गाड़ी ख़राब है या ख़राब हो गई है तो आंटी इसमें बेच रही है, ख़राब नहीं है, है ना। देखिए दोस्तों अगर किसी के पास स्विफ्ट भी आ जाए ना तो फिर तो रुतबा चेंज हो जाता है। लोग तो 800 में भी बैठते हैं ना, जो मारुति 800 आता था उसमें भी बैठते थे और उससे भी उतरते थे, तो रुतबा कुछ अलग होता था। और शिफ्ट हो जाए तो वाह भाई। लेकिन आंटी ने देखिए किया क्या है, ये हर दिन आंटी इसी में बेचती है, ठीक है, कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं है। डेली ये लीची लाते हैं पूरा भर के, अभी तो शायद लीची ख़त्म हो गया। मैं सुबह मार्केट जब आया था तो इसमें पूरा लीची था। यही आंटी है, देखिए वजन करके बेच रही है। किसी को मैंने आज दिखाना था दोस्तों। हेलो
गाइस, जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया आंटी किस तरह फॉर्चूनर पे लीची बेचती है हर दिन। आई होप कि आप लोगों को सभी को देख के मज़ा आया होगा और एक नया चीज़ होगा। तो दोस्त, बस इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करते रहिएगा, है ना, कमेंट करते रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इससे पहले आप देखें थे क्या कि मतलब फॉर्चूनर पे कोई लीची बेचते हैं, कोई सामान बेचते हैं? फॉर्चूनर तो लोग चलाते हैं और बहुत अच्छा से रखते हैं, लेकिन आंटी इसमें हर दिन लीची बेचती है। उनका वो काम है और शायद उनको पसंद होता होगा फॉर्चूनर में लीची बेचना, है ना। तो दोस्तों थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और मेरे वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।